नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और अगर आप कुछ इस तरीके का लॉक स्क्रीन चाहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये आईओएस कहा गया मैक ओएस की तरह लॉक स्क्रीन है, तो बेसिकली ये ट्यूटोरियल को फॉलो करते रहिए। पहले पासवर्ड डाला और देखिए खुल गया, देख सकते हैं मेरा डॉक भी मैक ओएस की तरह है, पूरा मैक ओएस की तरह है, मेरा बूट एनिमेशन भी मैक ओएस की तरह आता है। और इतना ही नहीं, ग्रब जो होता है जब ओएस स्टार्ट करते हैं और चूज करने के लिए बोलता है कि आप किस ओएस को बूट करना चाहते हैं, वो भी मैक ओएस की तरह दिखता है। तो मेरा पूरा सिस्टम मैक ओएस की तरह दिखता है, लेकिन है ये एक्चुअली में उबंटू, देख सकते हैं उबंटू 18.4। तो ऐसे कैसे करना है ये आप जो है सुबह चैनल पर देख सकते हैं, कंप्लीट ट्यूटोरियल है। मैंने ग्रब का ट्यूटोरियल अलग डाल रखा है, मैंने ये कैसे कस्टमाइज करना है उसका अलग डाल रखा है, और आज है थीम की बारी, सॉरी लॉक स्क्रीन की बारी। तो लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज करने के लिए जैसा मैंने अभी आपको दिखाया है, वैसे लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज करने के लिए आपको सबसे पहले ब्राउजर ओपन करना है। पहले इंटरनेट कनेक्शन आपके क्या कहते हैं मतलब उसमें कंप्यूटर में होना चाहिए, और उसके बाद आपको टर्मिनल ओपन करना है, ब्राउजर नहीं, टर्मिनल ओपन करना है, ब्राउजर मेरे लिए है। और आपको एक कमांड रन करना है, जिसका जो कमांड है पहले ये रही, पहले आपको दो कमांड रन करना है, sudo apt-get-update, ठीक है, एंटर मार दीजिए, पासवर्ड आएगा, उसके बाद ओके कर दीजिए और इसको होने दीजिए, मेरा कुछ देर में हो जाएगा, हो गया। उसके बाद एक और डालिए, sudo apt-get-upgrade, इसको भी ये कर दीजिए। उसके बाद यस मांगेगा, अगर आपका कोई पैकेज होगा वाई डाल दीजिएगा, उसके बाद इसका मेरा कोई पैकेज नहीं है। तो उसके बाद आपको एक कमांड रन करना है, sudo apt-get install nautilus -admin, ये वाला कमांड गौर से देख लीजिए, इस कमांड को क्या है कमांड, sudo apt-get install nautilus admin, उसके बाद इसको एंटर मार दीजिएगा। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन इसलिए बोल रहा है कि मतलब ऑलरेडी इंस्टॉल है, अगर आप पे नहीं होगा तो कर देगा। उसके बाद आपको एक और कमांड टाइप कर रहा है, nautilus /q, ठीक है, इस कमांड को भी पेस्ट कर दे रहा है और एंटर मार दे रहा है। और इस कमांड को एंटर मारने के बाद आपका जो है नॉटिलस बेसिकली स्टार्ट होगा, ठीक है, इतना कर दीजिएगा। उसके बाद आपको बेसिकली उसके बाद आगे जो है सो बेसिकली हम ये ट्यूटोरियल उल्टे डायरेक्शन में बता रहे हैं, पहले हार्ड पार्ट बता रहे हैं, उसके बाद जो है सो इजी पार्ट बता रहे हैं। तो ये हार्ड पार्ट है, इसलिए इस पे जो है सो थोड़ा सा कमांड प्रॉम्प्ट आ जाता है, सॉरी कमांड प्रॉम्प्ट कहा गया यार, विंडोज का टर्मिनल आ जाता है, तो इसलिए मैंने ये पार्ट बता दिया। तो इतना करने के बाद sudo apt-get अपडेट और अपग्रेड भी हो सकता है, आपको टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, हो सकता है आपके इंटरनेट कनेक्शन पे, डिपेंड करता है कि आपका कितना टाइम लगेगा, और अगर आप कुछ देर पहले ही अपग्रेड किए होंगे या अपडेट किए होंगे तो कम टाइम लगेगा, तो उसी में ज़्यादा टाइम लगेगा जो लगेगा। और उसके अलावा उसको करने के बाद आप अपना फाइल मैनेजर खोल लीजिए, और जैसे कि मेरा अभी खुला हुआ था उसको फिर से खोलते हैं। फाइल मैनेजर खोलने के बाद कुछ इस तरीके का दिखेगा, उसके बाद अदर लोकेशन पर चले जाइए, उसके बाद ये कंप्यूटर जो आपका मेरे में कंप्यूटर दिखा रहा है, आप में जो रूट डायरेक्टरी होगा उसमें जा रहा है। उसके बाद आपको जाना है USR में, USR में के बाद SHARE शेयर में, और यहाँ पे ढूंढना है आपको P से Plymouth, ठीक है, Plymouth ढूंढ लीजिएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा, और देखिएगा कि यहाँ पे इस तरीके का तीन फाइल होगा, एक थीम्स वाला फोल्डर होगा और ये होगा, दो लोगो होगा। तो इसको बेसिकली पीछे जाना है और राइट क्लिक करके यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया होगा रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, पहले ही ऑप्शन नहीं था लेकिन अब आ गया होगा, क्योंकि अभी जो हम इंस्टॉल किए हैं उसी से ये आया है। तो इसको ओपन कर दीजिए रन एज, उसके बाद पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड एंटर कर दीजिए, दो बार मांगता है, उसके बाद एक और खुलेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है।
तो आपको इसको हाइड कर दे रहा है, इसको भी हाइड कर दे, उसके बाद गूगल पे जा रहा है, आपको एप्पल का लोगो टाइप कर, आपको कोई भी लोगो लॉक स्क्रीन जो होता है ना जिस ये लॉक किए, तो बेसिकली ये जो लॉक स्क्रीन होता है तो यहाँ पे हम लॉग इन एज अनदर यूजर करेंगे तो मेरा रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगा, लेकिन बेसिकली उसका क्या मतलब है कि यहाँ पे एक लोगो आता है उबुंटू का, तो लॉक स्क्रीन तो आप बना दीजिएगा आईओएस की तरह, लेकिन वो जो लोगो है उसको हटाने के लिए सब जो है सो झमेला हम कर रहा है। तो वो लोग आपको जो भी चाहिए आईओएस का चाहिए, किसी का भी चाहिए, तो बेसिकली हम तो यहाँ आईओएस का ट्यूटोरियल बता रहे हैं, तो जो है सो आईओएस का जो है सो बेसिकली देंगे, तो आईओएस का आ जाता है यार मैक ओएस का, तो मैक का लोगो आप कोई भी टाइप गूगल पे जाने का टाइप कीजिएगा एप्पल लोगो डॉट पीएनजी, आप गूगल पे या बिंग पे जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम में है उस पर टाइप कीजिएगा, जनरली दो ही सपोर्ट करता है बढ़िया गूगल या बिंग, उसके बाद उसका इमेज सर्च में कीजिएगा ये सर्च, ठीक है ऑल में नहीं इमेज में। उसके बाद आपको कोई भी लोगो सेलेक्ट कर रहा है और पहली बात देख रहा है कि लोगो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है ये देखिए ये लोगो मैंने चूज कर रखा है, देखिए ये लोगो लीजिए तो इस लोगो पे क्लिक किए इस लोगो पे और राइट क्लिक कीजिए सेव एज इमेज किए, तो यहाँ पे जो है सो बेसिकली ये जेपीजी में हो रहा है सेव, ठीक है जेपीजी, ठीक है तो आपको ये नहीं चाहिए, जेपीजी जो है सो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, आपको ऐसा लोगो सेलेक्ट करना है बार बार सभी को सेव करके देखना है सेव एज, लोगो छोटा होना चाहिए कि यहाँ पे पीएनजी आए, ठीक है पीएनजी आए और इतना ही रहे, जब सेव करें तो उसको जो है सो इसे मेरा सेव पीएनजी आ रहा है तो इसको आप सेव कर लेते हैं। उसके बाद इस लोगो को सेव करने के बाद ये इसको का एक और बात ध्यान रखिए कि लोगो ट्रांसपेरेंट हो और साथ में पीएनजी फॉर्मेट में हो, दोनों चीज़ होना चाहिए। उसके बाद काट दीजिए, उसके बाद फाइल मैनेजर ओपन कीजिए और फाइल मैनेजर में दो फाइल मैनेजर होगा फिलहाल खुला हुआ, एक नॉर्मल एक एक जो है वो वाला दूसरा कैसे दिखेगा भाई, हाँ दिख गया, तो दो फाइल मैनेजर ऑन होगा फिलहाल, तो इस वाले में डाउनलोड में जाइए और यहाँ पे जो एप्पल लोगो है वो आ गया होगा, एप्पल लोगो आ गया होगा, अभी जो डाउनलोड किया उसको ओपन करके देख लीजिए कि ये इस तरीके का जो है सो पीछे में डब्बा 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 रहा चाहिए, इसका ये मतलब है कि ये ट्रांसपेरेंट लोगो, ठीक है तो ट्रांसपेरेंट ही चूज कीजिएगा, ये मस्ट है और पीएनजी होना चाहिए साथ में ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आप इस लोगो को कैंसिल कर दीजिए और आप जो फोल्डर जो ऑन किए थे रन एडमिनिस्ट्रेटर वाला उसको ओपन कर लीजिए, तो देख सकते हैं प्लाईमाउथ पे, तो यहाँ पे आपको एक इस फोल्डर में जो है सो आपको एक दिखेगा उबुंटू लोगो डॉट पीएनजी, ठीक है तो इसको राइट क्लिक कर रहा है, इसका जो नाम है उबुंटू लोगो डॉट पीएनजी उबुंटू उसके बाद स्लैश लोगो डॉट पीएनजी, उसके बाद इसको डाउनलोड में जाना है, इसका भी नाम जो है सो वही रख दे रहा है उबुंटू डैश लोगो डॉट पीएनजी, ठीक है उसके बाद इसको सेव कर दे रहा है, उसके बाद इसको कॉपी कर लेना है और पीछे जाना है और इसमें पेस्ट करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा जैसे सीधे पेस्ट हो गया, अरे यार यहाँ पे डबल डबल पीएनजी पीएनजी टाइप कर दिया है, तो बेसिकली जो है इसका रीटाइप करके पीएनजी करके एक पीएनजी होगा ना, तो ये बोल रहा है द फाइल विथ नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो कहने का मतलब कि इस लोगो को उस लोगो से रिप्लेस कर रहा है। चलिए एक बार और फाइल फिर से ट्राई करते हैं, इसका जो डबल पीएनजी हो गया तो इस पीएनजी को हटा देते हैं, हो गया अब इसको कॉपी कर ले रहा है पीछे जा रहा है इस फोल्डर में आ रहा है पेस्ट कर रहा है, तो देखिए रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, तो रिप्लेस का ऑप्शन पर क्लिक कर दे रहा है, हम यहाँ पे फिलहाल जो है सो स्किप कर देगा क्योंकि हमको नहीं कर रहा है। उसके बाद थीम्स फोल्डर में जा रहा है और उसके बाद उबुंटू लोगो में जा रहा है और ये जो सबसे लास्ट में है उबुंटू लोगो 16.png इसके साथ भी वही कर रहा है, इसका फिर से नाम जो है सो डाउनलोड में जा रहा है उबुंटू लोगो लोगो की जगह आप रीनेम करके यहाँ पे 16 डाल दे रहा है, उसके बाद स्पेस आ गया रिनेम कर दे रहा है, उसके बाद इसको कॉपी कर ले रहा है, उसके बाद पीछे जा रहा है यहाँ पे पेस्ट कर रहा है, देखिएगा रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, तो हम स्किप कर रहे क्योंकि मेरा ऑलरेडी किया हुआ है, लेकिन आप जो है सो पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है ये था हार्ड पार्ट, अब इजी पार्ट पे चलते हैं।
चलिए इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद इजी पार्ट ये है कि आपको ब्राउज़र खोलना है, उसमें जीरो थीम टाइप करना है ऊपर वही गूगल पे। उसके बाद ऊपर वही आ जाएगा jeroblook.org वाला वेबसाइट, जीरोम सेल थीम करके उस पर क्लिक करते रहना, उसको ओपन कर लेना है। उसके बाद इसमें जाना है लेफ्ट साइड में GDM थीम, ठीक है, GDM थीम। ये वेबसाइट गौर से देख लीजिए, jeroblook.org। उसके बाद GDM थीम में जो सबसे ऊपर में आ रहा है देख सकते हैं, Ubuntu, ठीक है। तो ये iOS का ही है, लेकिन अगर आप पे ना आ रहा हो तो इसको जो है सो हम कॉपी करके इस पर टाइप करके सर्च बार में टाइप करेंगे। ये तो मेरे ऊपर में ही आ रहा है, आप में हो सकता ना है, इसको सर्च बार में टाइप कीजिएगा तो वही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, जब सर्च कीजिएगा तो नीचे में GDM थीम लिखा होना चाहिए, यहाँ GTK थीम लिखा हुआ, आइकन थीम लिखा हुआ, आइकन थीम नहीं, आप पे GDM थीम ही लिखा होना चाहिए और Ubuntu होना चाहिए। उसके बाद उसके क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद ओपन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद नीचे में जाइएगा, फाइल्स में जाइएगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ राइट साइड में डिस्क्रिप्शन में देखिए, यहाँ बहुत सारा फाइल्स है, डिस्क्रिप्शन में देखिए, यहाँ पे दो, पहला दो है 1904 और 1910। देखिए सबसे ऊपर वाला है 1904 विथ आस्किंग पासवर्ड, इसका मतलब है कि ये फाइल आपको तब डाउनलोड करना है जब आपका Ubuntu वर्जन जो है 19.4 हो, साथ में पासवर्ड आस्क जो करता है बूट करते समय, मतलब ओपन करते समय वो वाला है तो आपको ये डाउनलोड करना है। अगर आपका 19.10 है और विदाउट पासवर्ड है तो ये डाउनलोड कर, आपको देख लीजिएगा उसके सामने लिखा होगा पासवर्ड है या पासवर्ड वाला है या आपका नहीं, तो उसी के हिसाब से करना है। मेरा था Ubuntu, देखिए Ubuntu 18.10 है विद आस्किंग पासवर्ड, विदाउट आस्किंग पासवर्ड Ubuntu 18.4 है, ठीक है। तो मेरा वर्जन है Ubuntu 18.10 विद आस्किंग पासवर्ड, तो हम ये डाउनलोड करेंगे, उसका डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद सेव फाइल का ऑप्शन आया, उसके बाद ओके कर दीजिएगा, उसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा। हो गया मेरा डाउनलोड, उसके बाद इसको मिनिमाइज कर देते हैं या काट भी सकते हैं, आपकी मर्जी। उसके बाद फोल्डर खोलना है, डाउनलोड में जा रहा है, और इस लोगो को डिलीट कर दीजिए। और उसके बाद ये जो मतलब आप क्या कहते हैं, ये जो अभी अभी डाउनलोड किए हैं उसको एक्सट्रैक्ट करना है वहीं पे। ठीक है, उसके बाद उस फोल्डर को ओपन करने के बाद उसके बाद राइट क्लिक करना है उस फोल्डर में, उसका रन ओपन एस टर्मिनल क्लिक करना है। ओपन एस टर्मिनल क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है sudo su, बेसिकली हम एडमिन क्या कहते हैं रूट यूज़र के रूट में जा रहा है, मतलब जो भी होता है क्या बोलते हैं उसका जो भी। उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है, उसके बाद हो जाएगा, उसके बाद आप रूट हो जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे ls टाइप करना है, ls बेसिकली लिस्ट देखने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं install.sh है, ठीक है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे टाइप करना है एक डॉट, उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश, और इस जो install.sh है इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा है और एंटर मार दे रहा है, जो भी आपका वर्जन है, ठीक है। एंटर मारते ही आपका जो है सो थीम इंस्टॉल हो जाएगा। हम फिलहाल क्लोज कर देते हैं, और आपका कुछ इस तरीके का जो है सो टर्मिनल आपका लॉक स्क्रीन दिख जाएगा, ठीक है। तो हो गया ट्यूटोरियल कंप्लीट, इतना ही करना था जो कर रहा था। तो उम्मीद करते हैं ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और हम इसको डिलीट कर देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, इसको भी क्लोज कर देते हैं, पीस।